आखिर क्यों दुनिया के तीन बड़े धर्म आपस में लड़ रहे हैं? आखिर क्या है अल अक्सा मस्जिद का विवाद? यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद से पहले आखिर क्या था? कुरान शरीफ और न्यू टेस्टामेंट में अल अक्सा मस्जिद के बारे में क्या कहा गया है? नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज। अल अक्सा मस्जिद के इतिहास को जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। यरूशलम दुनिया की एक लौती ऐसी जगह है जिसे तीन बड़े धर्म मुस्लिम, ईसाई और यहूदी अपना पवित्र स्थान मानते हैं। इस्लाम धर्म में अल अक्सा मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना गया है। अरबी में अल अक्सा का मतलब होता है सबसे दूर, जो मक्का से इसकी दूरी को बताता है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान के चैप्टर 17 सूरा अल इसरा में उस रात का जिक्र है जिस रात पैगंबर मोहम्मद यहाँ से जन्नत गए थे। जिस जगह से पैगंबर मोहम्मद के जन्नत जाने की मान्यता है, वहीं पर बना है डोम ऑफ द रॉक। इस्लामी मान्यता के अनुसार डोम ऑफ द रॉक पहला किबला या दिशा थी जिसकी ओर मुंह करके मुस्लिम नमाज पढ़ा करते थे और हज और उमरा के लिए भी यहीं आया करते थे। मस्जिद का 35 एकड़ में फैला एरिया इस्लाम में हरम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है। फिलहाल यरूशलम के पुराने हिस्से में पहाड़ी के ऊपर स्क्वायर में फैली इस मस्जिद को यहूदी हर हवाइयत कहते हैं। यहूदियों के लिए यहाँ टेंपल माउंट की बची हुई दीवार वेस्टर्न वॉल सबसे पवित्र जगह है। वेस्टर्न वॉल क्या है, चलिए अब ये जानते हैं। एक यहूदी राजा सोलोमन ने यहाँ आकर एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर बनवाया था जो यहूदियों के लिए फर्स्ट टेंपल था, जिसे आगे चलकर 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने तोड़ दिया। इसके बाद तकरीबन 5 सदी बाद यहूदियों ने इसी जगह पर एक और मंदिर बनवाया जिसे सेकंड टेंपल कहा गया। सब कुछ सही चल रहा था कि सन 70 में यहाँ रोमन्स ने हमला कर दिया और सेकंड टेंपल को भी तोड़ दिया गया, लेकिन पश्चिम की तरफ की दीवार का एक हिस्सा बच गया जिसे यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं। यहूदियों का मानना है कि यहीं से दुनिया की शुरुआत हुई थी और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की थी। पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से जाने के कुछ वक्त बाद मुस्लिम्स ने इस जगह पर हमला कर दिया। तब यहाँ पर ईस्टर्न अम्पायर का राज था जिसे बाइजेंटाइन अम्पायर भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ का पूरा एरिया मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। ये पूरा एरिया 144,000 वर्ग मीटर का है जिसमें अल अक्सा मस्जिद है, वेस्टर्न वॉल है और एक चर्च भी है। ईसाई धर्म में मान्यता है कि इसी जगह पर ईसा मसीह ने उपदेश दिया था और यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट में इसका जिक्र भी है। यह है अल अक्सा मस्जिद का पूरा सच जो तीनों धर्मों के लिए बहुत बड़ा है। 1967 की जंग के बाद जॉर्डन और इसराइल के बीच समझौता हुआ था कि अल अक्सा मस्जिद के अंदर के मामलों पर इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का नियंत्रण रहेगा और बाहर की सुरक्षा इसराइल संभालेगा। इस साल के शुरुआत में इसराइली पुलिस जो अल अक्सा के बाहर की सुरक्षा देखती थी, मस्जिद के अंदर घुसी, तोड़फोड़ किया और नमाज पढ़ रहे लोगों पर रबर की गोलियों से हमला किया। सफाई में इसराइली पुलिस ने बताया कि मस्जिद के अंदर कुछ उपद्रवी लोग छुपे थे जिनके पास पत्थर था, इसलिए उन्हें अंदर घुसना पड़ा। ये था अल अक्सा मस्जिद, वेस्टर्न वॉल और चर्च के विवाद का पूरा सच। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देख रहे थे आज तक डिजिटल।